टीम इंडिया अगले मैच के लिए लखनऊ पहुंच चुकी है। टीम इंडिया ने अब तक 5 मैच खेले और सभी में जीत भी दर्ज की। भारतीय टीम पॉइंट टेबल में 10 अंक के साथ टॉप पर है। भारत को अपने छठे मुकाबले में 29 अक्टूबर रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ उतरना है। यह मैच लखनऊ में होगा। लखनऊ के स्पिन पिच को देखते हुए प्लेइंग 11 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। टीम इंडिया ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किया था। हार्दिक पांड्या के अलावा शार्दुल ठाकुर भी इस मैच में नहीं खेले थे। उनकी जगह सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी को मौका मिला था। हालांकि सूर्य कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और 2 रन बनाकर रन आउट हो गए। वहीं मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए थे। वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार 5 विकेट लेने वाले इकलौते बॉलर है। इस कारण कीवी टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। लखनऊ की स्लो पिच को देखते हुए शमी की जगह आर अश्विन को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के साथ आर अश्विन नजर आ सकते हैं। जडेजा ने अब तक 5 मैच में 7, वहीं कुलदीप ने 5 मैच में 8 विकेट लिए हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 5 मैच में सबसे अधिक 11 विकेट झटके हैं। वहीं मोहम्मद सिराज को 5 मैच में 6 विकेट लिए हैं। अश्विन के आने से टीम की बल्लेबाजी भी मजबूत हो जाएगी।